wonderful good morning to all of you from Delhi. As always, I am your host Yogendra and welcome back to channel once again. इस वीडियो को समझने से पहले आपको कुछ बातों को समझना ज़रूरी है, मतलब इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये स्टोरी है उस टाइम की जब मैं मसूरी घूमने गया था और मसूरी टूर का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जो आपने शायद देख भी लिया होगा. तो ये मसूरी टूर का पार्ट 4 है जो अभी तक लॉन्च नहीं किया था और जिसमें दो चीज़ों का दिखाना बाकी था. तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने लाल टिब्बा को एक्सप्लोर किया और मैं वहाँ से निकला तो एक और व्यू पॉइंट बचा था, दैट वॉज सिस्टर बाजार. ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब चीड़ के पेड़ है. इतनी पीसफुल, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और क्लीन क्लीनलीनेस. देखो क्लीन क्लीन. और सिस्टर बाजार अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लेस है. आप अगर मसूरी जाएं तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप सिस्टर बाज़ार को ज़रूर जाएं. अगर आप मॉर्निंग में ना जा पाएँ तो इवनिंग में ज़रूर जाएं, क्योंकि इवनिंग में सिस्टर बाज़ार का जो व्यू होता है वो बहुत अल्टीमेट होता है. जब आप सिस्टर बाज़ार की गलियों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस की गलियों में आप घूम रहे. ऊँचे ऊँचे माउंटेन्स हैं, वाइट माउंटेन्स दिखाई देती हैं, एक तरफ लोगों के घर है और जो स्ट्रीट है काफ़ी क्लीन है. जब आप वहाँ पहुँचते हो तो मेंटली आपको एक पीस मिलता है, तो मतलब काबिले तारीफ़ है. और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं पहुँचा कैलोग मेमोरियल चर्च, जो कि 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था. अंदर जा सकते हैं. आप लोग कब से हैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ? हम लोग 19 तो आप लोग गए रहते हैं. आप अभी बता रहे थे ये यूरोपियन अमेरिकन. ओके, अमेरिकन आर्किटेक्ट से. और ये तब से बिल्कुल ऐसा ही इसमें कुछ नहीं, ये इसके पहले है ना, इसके पहले जो है आप ये देख लें, ये जो ये हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा तो थोड़ा सा था. ओके, ये जो आर्च नहीं था यहाँ पे. ओके, ये जो बिल्डिंग है, ये जो शेप है, ये 1903 की है. ओके, यहाँ पर चर्च में यहाँ के लोकल लोग आते हैं जी. हाँ, लोकल ट्रैवल. एक्चुअल में क्या था, ये पहले ब्रिटिशर जब थे तो ये अंग्रेजों के लिए ही था. ओके ओके. और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये सेल हुआ करता था, सेल आर्मी का. ओके ओके. जो बदमाशी करते लड़के आर्मी के जवान, वो उनके लिए सेल, प्रिजन सेल. ओके, ये वाला जो हिस्सा की जो वो थी, जो पनिशमेंट थी, वो कॉर्न होती है ना नारियल की जी. ओके, तो उसके ये कारपेट बनाती थी. ओके, तो हमारा ये चर्च था, पूरा चर्च उसी से कारपेटेड था. ओके, पूरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था. अभी तो हमने चेंज कर दिया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिजाइन. और ये जो है ना, ये लैंग्वेज स्कूल की है. ओके, लैंग्वेज स्कूल. हाँ, लैंग्वेज यहाँ पर लैंग्वेज सिखाई जाती है. जो विदेशी आते थे यहाँ पे लैंग्वेज सीखते थे. ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल है जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू. ओके, संस्कृत भी है और पहाड़ी. अभी मैं देख रहा था वो कुछ वो आए हुए थे, कोरियंस भी आए हुए थे. आप उनसे बात कर रहे थे शायद कोरियन लैंग्वेज में बात. ओके, आपने पर्सनली सीखी है उनको? हाँ, तो कोरियन तो बच्चे हमारे उस साथ में करते हैं.
तो उनके पेरेंट्स से अभी हमारा क्वार्टर ब्रेक चल रहा था 1 वीक का. ओके तो जो बच्चे हैं माँ बाप के साथ गए थे. वैसे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज के पेड़ हैं. हाँ. और जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होता है. तो जैसे एक ज़माने में ये जो पूरा ये जो घर है के नीचे ये वाला पूरा जी इसमें सारे फॉरेनर्स ही रहा करते थे. एक बार में कम से कम 50-60 बच्चे उनके यहाँ से आ जाते थे यहाँ इस एरिया में. ये पूरा होता ओके यहाँ पर सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बच्चे थे वो रहते थे खेलते थे. ओके अभी आज की डेट में ये कैसे यूज हो रहे हैं इनमें लोग रहते हैं. ओके अब इंडियंस रहते हैं. मैं एक समय में उस घर में मैं रह चुकी हूँ. घर रह चुकी हूँ उधर भी रहते थे. तो यहाँ पर लाइट पानी सब है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो होती जैसे स्नो है और मानसून में लाइट चली जाती है. ओके ऐसे नहीं है लेकिन है 24 आवर्स. ओके फिलहाल अभी उन मैडम से बात हुई उन्होंने इस चर्च के बारे में उस और इस एरिया के बारे में पूरा बताया. काफ़ी अच्छा है जब आप किसी डिफरेंट प्लेस पे आते हो और वहाँ पर जो डिफरेंट कुछ है और जो भी कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर यहाँ पर कुछ चीज़ें थी वो उन्होंने दिखाई बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग था. अगर आप मसूर आए पर्सनल रिकमेंड कि आप यहाँ आओ और इस एरिया को ज़रूर विज़िट करो स्पेशली चर्च एंड सिस्टर बाज़ार. थैंक यू वेरी मच. नाउ मूविंग टू दिल्ली. अभी दिल्ली के लिए मूव करता हूँ ताकि मैं शाम तक पहले पहुँचाऊँ. इस वीडियो में बस इतना ही. जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन बाय बाय.